ये देखिए जी, देसी घी का तड़का लग रहा है, नरी नरी को, वाओ वाओ वाओ। Do you like this Waras Nihari? Probably one of the best curries I've ever had. It was brilliant, yeah. बड़े बड़े स्टार आते मेरे पास और सारी टीम आई, इमरान खान आया है, पूरी टीम लेके वर्ल्ड कप जब जीता था, मैंने नियारी फ्री मार दी थी। सन मेरा ख्याल 80-81 से शुरू किया था। अच्छा, यानी 40-42 साल पुराने आप ही कस्टमर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं न्यू अनारकली बाजार में। ये गली कहलाती है पैसा पार वाली गली। तो आइए मेरे साथ, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे वारस निहारी, जो 1960 से कायम शुदा है। चाचा वारस का आपको इंटरव्यू भी दिखाएंगे और इनकी निहारी और इनकी सवेरी रोटी और शीरमाल, उसका भी टेस्ट कराएंगे। तो मेरे साथ रहिए, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। ये निहारी है जी, कौन सी निहारी है जी? ये बीफ निहारी है भाई। बीफ निहारी, वाह वाह वाह। अच्छा मेरी जान है। साथ में मसाला डालते हैं, ये अदरक लेमन और हरी मिर्च भी डालते हैं। ये वारस निहारी हाउस 1960 से काम करता है, 40 और 22। एक हाउस देखिए, ये खास इनका बर्तन है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए नली नहरी तैयार करने लगी। ये देखो, ये बोटी आ गई। रह गया तो उठे जाना पैना के लाओ। अरे गाड़ी का चलना मैंने। तो करो ना, तुसी उठे तक गाड़ी गाड़ी नहीं कीता। पीछे ये करे। ये देखो, ये ना ये ना गाड़ी का था ऊपर से ना मेरे ने वो आकर ये फिल्म भाई ने तैयार कर दी जी। नली निहारी दिखाई नहीं, ये मसाला पीस के फ्राई। वाह 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 वाह, ये तड़का लग रहा है। ये कौन सी निहारी के? नली निहारी को बीफ निहारी, ये सादा बीफ निहारी है, वो नली निहारी है। वाह वाह जी, तो देसी घी का तड़का लग रहा है। वाह वाह वाह, लगाएंगे देसी घी। वाह, ये देखिए जी, देसी घी का तड़का लग रहा है, नली निहारी को, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत शॉट है। देखिए इसके बाद तैयार करने के बाद ऐसे प्लेटों में रख देते हैं, फुल गर्म प्लेट होती है, स्टील की प्लेट होती है, और रखते हैं आप ये सफेद प्लेट में। ये देखिए जी, ओ वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत जी। ये देखिए जी, चाचा वारस निहारी पर ये निहारी का दम खोलने वाले हैं, हमें दिखाते हैं ये वारस खुद भी हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह खूबसूरत, ये निहारी तैयार हो चुकी है बीफ की। जी दादा, ये कितनी देर लगती है इसको दम से निकालने में? 6 से लेके 7 देर तक, यानी 12 घंटे लगते हैं। चले जी, शुरू करें जी। चलो जी, बिस्मिल्लाह जी। आप थोड़ा पीछे रहना, काम गर्म है। वाह जी वाह, कहते हैं बहुत गर्म है, 12 घंटे की दम लगी हो अगर तो कैसी। ये देखिए जी, ये निकल रही है जी, ये निकल रही है बीफ। ये कौन सी बोटी है जी? ये बीफ की बोटी है जी। बीफ की बोटियां निकल रही है, ये देखें। वाह वाह वाह, इतने बड़े बड़े पीस। जी जी, इधर ये बड़े पीस का क्या फायदा होता है? टूटता नहीं है और गल खूब जाता है। वाह, और बच्चों को भी तो खूब रहता है, विटामिन मजबूत रहते हैं। वाह वाह, सेहत का बंदी मजबूत रहता है।
ये कौन से पीस है चाचा जी? मछली। मछली के पीस, यानी ये बीफ की जो मछली है बोंग मछली, उसको अलग से वो पीस अलग रखते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत जी भाई। ये मछली पापा को दे दो। और लाल बोटी कौन सी होती है चाचा जी? ये वाली मुताबिक सबसे बेहतरीन बोटी कौन सी होती है? बोंग की बोटी, ये जो यही मछली वाली सही, या अंडर कट जिसको कहते हैं आप, लाल बोटी। ये जी वाह, बहुत खूबसूरत। इतनी बड़ी देग, ये बड़ा स्टाइल की है, ये कुछ दिल्ली स्टाइल की लग रही है मुझे। कराची से बनती है? कराची में बनती है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? स्टील की देग है। और अच्छा अच्छा, खास निहारी के लिए स्पेशल बनाई होती है। तो ये कितने किलो आप जो है गोश्त इसमें एक देग में डालते हैं और बनाते हैं? चार मन गोश्त। चार मन गोश्त इसमें बनता रही है। वारिस यारी भी देखिए, ये बेहतरीन गोश्त का इंतखाब करते हैं पहले ये बीफ का, उसके बाद ये 12 घंटे के अंदर तैयार होती है। वाह वाह वाह, ये देखिए आप, ये बोटियाँ निकल रही हैं जी बीफ की। ये बीफ में आप गाय का गोश्त इस्तेमाल करते हैं या कटे का? कटे का गोश्त इस्तेमाल करते हैं जी। और उसके अंदर ये देखिए, अच्छा जो होता है, नौजवान सेहतमंद। इसके अंदर कहीं आप वो नली जो है हड्डी है उसका भी इस्तेमाल करते हैं? वो अलग इस्तेमाल के लिए, पकाने में नहीं, पकाने में भी इस्तेमाल होती है। उसकी यखनी डालते हैं साथ, खोल के देनी है। बहुत खूबसूरत जी, ये खुद जो है वो खड़े हैं अपनी निगरानी में, देख खुलवाई है उन्होंने। ये देखिए उनके शागिर्द जो हैं वो काम कर रहे हैं साथ। और ये देखिए, ये सुबह 7:30 बजे से लेके रात 2:30 बजे तक यहाँ पे निहारी अवेलेबल है। निहारी भी आप आ सकते हैं खाने के लिए। As well. Where from you? I'm from London in the UK. Do you like Lahore? I'm loving Lahore. We arrived. Why? Yesterday. Why you love Lahore? It's chaos. We absolutely love it. We arrived yesterday from London. It's our first time, and we've been blown away by the culture, the experience, the people, the food. It's absolutely fascinating. And we couldn't have asked for some of the best person of the day. These are your friends? They are. Yeah. Hello. They are also from London. London. Yeah. What's your name? Daniel. Daniel? Yeah. And where? Dom. What, huh? Dom. Dom. Luke. From which city? London? From Nottingham. Nottingham. Nottingham in London. And what is your city? Nottingham. Nottingham. What is the common between Lahore and London? I would say maybe Pakistani food. Well, yeah, good Indian food, yeah, or Pakistani food as well. Good spicy food, a common passion for sports, cricket and football in particular. I'd say they're more different than similar, but there are a few similarities. Cricket and food. Well, cricket, sport in general, and probably food as well. Yeah. Do you like this Waras Nihari? Probably one of the best curries I've ever had. It was brilliant, yeah. Perfect level of spice, really friendly customer beef. Service. It's a beef, yeah, juicy beef. Yeah. Tender beef. Fell apart really easily in the pan. Tender beef. It was beautiful, very this tender. This man is... He's a genius. He's the maker of Waras Nihari. Yeah. He's the maker of... Waras Nihari, the traditional dish here in Pakistan, yeah, Lahore, and also from in Delhi. Yeah. Common dish, India and Pakistan, common dish from Delhi and from Lahore. Both are common dish, like Nihari, like biryani. Do you like biryani also? Biryani, brilliant. Yeah, we only got here yesterday, so we're not able to taste it. Look at this. Look at this crowd. They also like you. Then thank you very much. Thank you. Thank you. Please. Thank you. पूरा सेटअप ये वारिस निहारी का हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं। ये इनका मेन्यू लगा हुआ है, फुल प्लेट, हाफ प्लेट, आगे रेट लिखे हुए हैं। मछली की बोटी लेनी है, हाफ मछली की क्वार्टर लेनी है, और मगज़ वाली, नली वाली, ये तमाम के रेट आप देखिए लगे हुए हैं यहाँ पे। वारिस निहारी कायम शुदा 1960। ये भाई जो है वो पीस कर रहे हैं,
वारिस निहारी में। ये देखिए ये कौन कौन से पीस है जी? ये लाल बोटी के, लाल बोटी के पीस कर रहे हैं। बीफ है, गोश्त, उसके मुख्तलिफ हिस्से के पीस होते हैं। कोई लाल बोटी है, कोई रेशे वाली है। मछली की बोटी कौन सी है जी? ये जी इनके पास है मछली की बोटी। सबसे ज़्यादा लोग मछली की बोटी पसंद करते हैं जी। ये चॉकलेट की तरह गर्म होती है। अच्छा अच्छा, खाएं जी। वाह, ये देखिए ये मछली की बोटी जो है अलग मछली की तरह उन्होंने जाल से पकड़ी है जी। वाह वाह वाह। अच्छा, ये अलग से रखी होती है आपने? बाकी आपके पास जो लाल बोटी होती है, रेशे वाली होती है, जो ले ये मगध है, ये सारी चीज़। और यहाँ पे ये दिखाइए जरा, नली है, ये मछली है, मछली की बोटी है। इसको दिखाइए जरा इस चम्मच के साथ। ये देखिए मछली की बोटी, ये देखिए। अच्छा अच्छा, ये देखिए। वाह जी वाह, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत जी। ये तो चॉकलेट की तरह होती है, नरम। अच्छा नरम, ये पसंद से लोग खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, शौक से खाते हैं। ये आपने लग रही थी और तरी के अंदर रखी थी आपने? गर्म है, ये निहारी है। अच्छा, ये आप बर्तन जो है जिसका बता रहे थे, ये बर्तन का खास नाम है जिसके अंदर ये आपने निहारी रखी हुई है? बादिया। इसके अंदर गर्म रहती है निहारी, क्या फिक्र रखते हैं? स्टीम है ना, पानी है। अच्छा, पानी है, चूल्हा जल रहा है। अच्छा, स्टीम से गर्म रहती है और इसके साथ साथ आप लगती भी नहीं नीचे से और गर्म भी रहती है। ये लगा रहे हैं जी आप निहारी और साथ में ये तरी। ये बोटी है, ये निहारी की ग्रेवी है और ये तरी है। सही, ये तीनों चीजें डाल के रखी अलग अलग रखी होती है ताकि आपको गर्मा गर्म मिक्स हो आपस में। ये पैकिंग की जा रही है जी। कितने साल से खा रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो याद भी नहीं, माशाल्लाह। सन मेरा ख्याल है 80-85 से शुरू किया। अच्छा अच्छा, यानी 40-42 साल पुराने आप इनके कस्टमर हैं। तो क्या खास बात है वारिस निहारी की? खास बात इनकी सबसे बड़ी ये है, एक तो इनमें तहमल में जाती है ग्राहक को सर्व करने की, दूसरा इनका जायका एक ही है। ये की वो 40 साल पुराना ही? बिल्कुल बिल्कुल, 1960 में की थी शुरू। आप उस्ताद कौन थे? उस्ताद फतेह मोहम्मद का नाम था। कहाँ से थे वो? वो दिल्ली से बिलोंग करते। अच्छा, तो आपने उनसे यहाँ से की? हमने यहीं से। अच्छा अच्छा, तो क्या खास बात है आपकी निहारी में और बाकी जो लोग बनाते हैं इसमें फर्क क्या है, क्या क्या खास करते हैं आप? हमारी सबसे बड़ी तो बात यह है कि हम इसको इबादत समझ के काम को करते हैं। आला क्वालिटी, आला गोश्त, लोग चर्बी डालते हैं, ठीक है, हम सूफी घी डालते हैं, लोग बकरे का मगज को बड़े का मगज करके ग्रेंड करते हैं, हम बकरे का डालते हैं जेन्युइन। तो हमारे पास 33 साल के, 40-40 साल के कस्टमर हमारे पास आते हैं। यानी मियार पे कोई आपको नहीं होता? नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, बीफ का अच्छा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, अलग साथ में बकरे का मगज, बकरे का घी या ऑयल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ये सूफी घी करते हैं, सूफी घी इस्तेमाल करते हैं। और जो तड़का लगता है आपका स्पेशल, वो देसी घी का होता है, देसी घी का तड़का, वो भी अलग घी लेके आते हैं, साहिवाल से मंगवाते हैं। ये सारा सफर आपका कैसा रहा? 1960 से लेके आज 2022 है। पहले वाले साहब करते थे, उसके बाद मैं आ गया हूँ। अच्छा, अब मेरा बेटा है अली वारिस, वो करता है। तो अल्लाह पाक ने इतनी कामयाबी दी, इस कामयाबी को क्या कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि दिल को तसल्ली, अच्छा फूड खिलाता हूँ। मेरे दिल को ये तसल्ली कि मैं फूड जो बनाता हूँ जैसे मेरे बच्चे खाते हैं, इस फूड को ऐसे तैयार करता हूँ। बड़े बड़े स्टार आते हैं मेरे पास, बड़े बड़े आर्मी के बंदे आते हैं, पुलिस के बंदे आते हैं बड़े बड़े, और सारी टीम आई है। इमरान खान आया है पूरी टीम लेके, वर्ल्ड कप जब जीता था मैंने निहारी फ्री बांट दी थी। ये देसी घी के साथ तैयार कर रहे हैं स्पेशल हमारे लिए, ये मसाले भी इसके अंदर आ रहे हैं, देसी घी का तड़का लग रहा है। ये जी काफ्तान खमीरी रोटी, और ये तैयार है जी, ये तपला भी तैयार है। ये देखिए जी हमारे पास ये वारिस निहारी तैयार होके आ गई है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसका मज़ा क्या है। ये खमीरी रोटी है साथ, इसको दोनों तरीके से खाता है, कहा जाता है। ये एक जो है वो शीरमाल भी है,
इसके साथ भी लोग टेस्ट करते हैं और ये खमीरी रोटी की खाते हैं। अभी टेस्ट करके आप बोल जाते हैं। पहले हम खमीरी रोटी की खाते करेंगे। ये बहुत आला, ये रोटी देखिए आप जरा कैसी टेंडर, गर्म और नरम है। बहुत आला दास्तान है। इसके साथ भी ट्राई करते हैं, हल्का सा मीठा टेस्ट होता है इसका, मीठा कीमा तो करारी मज़ेदार नहारी, इसका अपना मज़ा। इसी तरह की अगर आपने मज़ेदार वीडियो देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उमेर में आपको दी इजाज़त, खुदा हाफिज़।